हाँ दीदी, कुछ पता चला वेदिका का? नहीं। ओह गॉड, माँ जी मेरा जीना मुश्किल कर देंगे अगर वो नहीं मिली तो। ऐसे कैसे कहीं जा सकती है वो भी? आपको पता है ना, ताई जी के सर पे कार्तिक और वेदिका को लेकर कितनी सनक सवार है। आपने इतनी बड़ी लापरवाही होने कैसे दी? बेकार में आपने सर पे मुसीबत मोल ले दी। अरे तुम कैसी बात कर रही हो, मैंने कोई जानबूझ के थोड़ी किया ये सब। ये आप जानती हैं, फिर ताई जी को कौन समझाएगा? उन्हें तो ये लगेगा ना कि हम वेदिका से जेलस हैं। पहले तो सिर्फ कार्तिक उनका फेवरेट था, अब वेदिका और कायरव दोनों ही उनके फेवरेट हो गए। उनके आगे तो वो किसी को कुछ नहीं समझती। गायू, तुम मुझे डरा क्यों रही हो? मैं क्या डराऊंगी दीदी, मैं पहले से ही डरी हुई हूँ। मतलब? कुछ नहीं, आप ये सब बातों को छोड़िए, वेदिका के बारे में अगर कुछ पता चलता है तो आप मुझे बताइए और मैं भी वहां से पता करने की कोशिश करती हूँ, ठीक है? हाँ मैं बताती हूँ तुम्हें। अब आपको क्या बताऊं अपने डर की वजह, कायरव ठीक हो जाए ये मैं भी उतना ही चाहती जितना आप में से कोई, पर उसके ठीक होने का मतलब है घर में वंश की जगह लेना। किस काम की सिक्योरिटी हो तुम? कभी कोई घर में घुस आता है, कभी कोई बिना बताए चला जाता है, तुम्हें कुछ पता ही नहीं चलता। जब मैडम मुझे घर से जा रही थी तो तुम्हें बताना चाहिए था ना, इडियट्स। दुनिया के सारे रिश्ते एक तरफ और बच्चे के माँ बाप का रिश्ता दूसरी तरफ। हाँ, पर अब उस बच्चे का बाप उसके माँ का पति नहीं रहा, किसी और का पति बन गया, उसका क्या? और उसकी नई दुल्हन उसे ढूंढते ढूंढते यहाँ हॉस्पिटल तक पहुंच गई है। वेदिका यहाँ आई है हॉस्पिटल में? कहाँ है वो? Oh, आप घबराइए मत दादी, कुछ नहीं होगा कायरव को। आपके किट्टू के बेटे के साथ आपका आशीर्वाद है ना, और पूरी फैमिली हम सब की दुआएं भी तो है। फुटबॉल खेलूंगा और वाटर राइड पे करूंगा।
ब्लड लेके आए हो? हाँ। चलो मैं बाहर हूं, कार्तिक तो अंदर है। अगर मेरा ये हाल है तो उसमें क्या बीतरी होगी? सिर्फ कार्तिक नहीं मनीष जी, नायरा के बारे में भी सोचे कि उसका क्या हाल होगा। वो तो एक माँ है, उसका लगाव जो कायरव के साथ है ना, उतना किसी का भी नहीं है उसके साथ। भगवान करे कि वो दोनों एक दूसरे को संभाल ले। बस कार्तिक देखो ना, क्या हो रहा है कार्तिक? कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा हमारे बच्चे को, हमारे कायरव को कुछ नहीं हो सकता। पक्का ना कार्तिक? पक्का, हमारा बेटा लड़ेगा, बहुत बहादुर है वो। वो लड़ेगा और वो जीतेगा। वो किसी चीज से नहीं डरता, तुम तक पहुंचना चाहता था, देखो ना पहुंच गया। एंजल की हेल्प, वही एंजल आज फिर से उसकी हेल्प करेगा। कुछ नहीं होगा उसे, कुछ नहीं होगा हमारे बच्चे को, कुछ नहीं होगा हमारे कायरव को। जल्दी इंजेक्शन रेडी करो, फास्ट। ये इंजेक्शन अभी क्यों लगा रहे हैं ऐसे? क्या ये इंजेक्शन? ये डॉक्टर पल्लवी ने बताया था मुझे इसके बारे में। एक इंजेक्शन है टीना, बहुत ही एक्सपेंसिव पर बहुत ही जरूरी। हाँ तो आप ले लीजिए। कॉस्ट बेयर कर पाओगी? बहुत महंगा है। हाँ यही कोई 1,00,000 रुपए। लाख रुपए का इंजेक्शन? ज्यादातर जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन हम ऐसे केसेस में रिस्क भी तो नहीं ले सकते ना, तो उसके लिए कुछ इस तरह के लाइफ सेविंग ड्रग्स अवेलेबल है मार्केट में जिन पर भरोसा किया जा सकता है, चाहे 10-20% ही सही। तो मैं तो यही सजेस्ट करूंगी कि हमें इंजेक्शन मंगवा कर रखना चाहिए, ताकि अगर हमें जरूरत पड़े तो कहीं ऐसा ना हो कि वो अवेलेबल ना हो।
आयरा, आयरा क्या हुआ? इंजेक्शन टूट गया। दूसरा लाना पड़ेगा। इंजेक्शन? कहीं वो वाला इंजेक्शन तो नहीं? ओह गॉड, रक्षा करना प्रभु, इस उम्र में ये सब मत दिखाना। वो इंजेक्शन तो इमरजेंसी के लिए था, इसका मतलब कायरव? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। डॉक्टर्स ने कहा था घबराने की कोई बात नहीं है, मैं इंजेक्शन इंतजाम करने की कोशिश करता हूँ। भगवान, हमारे किट्टू के बच्चे को कुछ नहीं होना चाहिए। हमारे खानदान का चेहरा गए वो। कमाल करती है लड़की, हद करती है। मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि इतनी गैर जिम्मेदार हो सकती है वो। अरे ना किसी को कुछ बताया, ना इंतजाम किया, ना कोई तैयारी की, बस ले आई बच्ची को ऑपरेशन के लिए। हाउ कैन शी? मनीषी, गिव अप नहीं कर सकते, हमें लास्ट मोमेंट तक ट्राई करना होगा। पता नहीं बॉडी कब कैसे रिएक्ट करे। हमें कुछ और ट्राई करना होगा सर। I'm trying my best, पर इंजेक्शन जरूरी है। इंजेक्शन मिलने के चांसेस ऑलमोस्ट निल है सर। जिस होलसेलर से हमने मंगवाया था, उसने भी हमें दिल्ली से मंगवा कर दिया था। I just hope they find it. कहीं से भी, किसी भी हॉस्पिटल से, किसी भी शॉप से, तुम डॉक्टर आनंद को इन्फॉर्म करो एंड टेल हिम टू फाइंड इट। ओके सर। अब दिल्ली से तो इंजेक्शन निकलवाई दीजिए, तब तक मैं यहाँ भी अरेंज करने की पूरी कोशिश करता हूँ। जी, excuse me. आपके ट्रस्टी से बात करनी है मुझे। वो तो नहीं है सर। तो सीनियर डॉक्टर कोई तो होगा ना, प्लीज तुरंत बुलवा दीजिए। Excuse me, आपके हॉस्पिटल में ये वाला इंजेक्शन मिलेगा क्या? मैम अभी अवेलेबल नहीं होगा यहाँ पे, ऐसे कोई भी नहीं रखता है। ये जब भी सर्जरी होती है मैम, तब हम मंगवाते हैं, वो भी दिल्ली से। आपको कोई आइडिया है कि ये और कहाँ मिल सकता है? मैम शास्त्री नगर में एक चाइल्ड हॉस्पिटल है, उधर केमिस्ट है, उधर आप जाके पता कर सकती हैं। छोड़िए मुझे, छोड़िए। सॉरी सॉरी, आप लोगों का डिस्टर्ब करा, बीच में आ गया मैं, लेकिन मुझे ये इंजेक्शन चाहिए। मेरा बच्चा वो ऑपरेशन टेबल पे बेहोश पड़ा, उसकी जान खतरे में। अगर ये इंजेक्शन टाइम पर नहीं मिला तो कुछ भी हो सकता है। डॉक्टर, डॉक्टर प्लीज। देखिए आप ऐसे हिम्मत मत हारिए, मैं अभी पता करती हूँ। थैंक यू डॉक्टर, आप प्लीज थोड़ा जल्दी कीजिए। ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। इस बच्चे के डॉक्टर, ही सिंकिंग। जल्दी से फोन करो कार्तिक को, उनको और पूछो उससे कि इंजेक्शन मिला क्या। अनरीचेबल है। नहीं देख सकता मैं, हमारा कायरव यहाँ इस हाल में, और हम इससे बेबस खड़े हैं। कार्तिक मेरा की मदद करना भगवान, प्लीज कहीं से भी इंजेक्शन जल्दी से अरेंज करवा दीजिए, प्लीज प्लीज। ये रिश्ता क्या कहलाता है। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।